दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम न्यूज मंथन के साथ मैं उर्मिलेश। इस बार सप्ताह की बहुत बड़ी बड़ी खबरों के बीच एक ऐसी खबर है जो महाराष्ट्र की वैसे तो है, लेकिन मैं समझता हूं कि पूरे राष्ट्र की है, ये सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है। क्या महाराष्ट्र में भी गुजरात की तरह, उत्तर प्रदेश की तरह एक नया प्रयोग शुरू किया गया है? क्या उसको भी गुजरात और उत्तर प्रदेश की तरह ध्रुवीकरण के आधार पर एक अजीब किस्म का समाज बनाने की कोशिश की जा रही है? यह ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना की सरकारें पहले भी रही हैं महाराष्ट्र में, लेकिन कभी भी कम्युनल पॉलिटिक्स का असर समाज के निचले हिस्से तक, यानी गांव में, कस्बे में, शहर के अनेक हलकों में नहीं पहुंचता रहा है। दंगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि दंगा मुक्त रहा है महाराष्ट्र, लेकिन समाज में वो कलुष, वो जहर, रिश्तों में कड़वाहट, एक दूसरे के खिलाफ विष वमन और वैमनस्य की पूरी एक खतरनाक संस्कृति, उस तरह की चीज कभी महाराष्ट्र में नहीं रही। और इसकी वजह सबसे बड़ी है कि समाज सुधारकों का जो असर है, वहां के सोशल रिफॉर्मर्स का जो इम्पैक्ट है, वो हमारे महाराष्ट्र के हर हलके में देखा गया और उसका असर काम करता रहा है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि कुछ शक्तियां ऐसी जरूर हैं जो अपनी स्थिति को कमजोर पा करके 2024 के चुनाव से पहले समाज को ध्रुवीकृत करना चाहती हैं, बांटना चाहती हैं। ये संयोग आप कहें या इसको दुर्योग कहें, जैसे ही उड़ीसा की एक भयानक ट्रेजेडी हमारे सामने आई, वो भी राष्ट्रीय ट्रेजेडी, उड़ीसा में घटित केवल हुई, राष्ट्रीय ट्रेजेडी उसको कहेंगे, और वो थी एक बड़ी रेल दुर्घटना बालासोर में। बालासोर की दुर्घटना से पूरा देश शोक संतप्त था, लोग बेहद परेशान थे, और बंगाल, उड़ीसा से लेकर के और जो दक्षिण के राज्य हैं, सब जगह ज्यादा लोग चिंतित थे, क्योंकि उस ट्रेन में ऐसे ही पैसेंजर्स ज्यादा थे। लेकिन पता नहीं क्या वजह थी कि करुणा शोक के माहौल में अचानक कुछ ही दिन के बाद उस घटना के महाराष्ट्र में एक दंगा फसाद का माहौल शुरू कर दिया गया। बहुत बड़े दंगे नहीं हुए, लेकिन निश्चित रूप से बहुत ज्यादा क्षति उस समाज की हुई जहां अंबेडकर पैदा हुए, अंबेडकर जहां बड़े, कर्मभूमि जो उनकी थी, पैदाइश तो ठीक है बगल के इलाके में हुई, महू में, लेकिन महाराष्ट्र उनकी कर्मभूमि रही। और इसके अलावा साहूजी महाराज कोल्हापुर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, उस जमीन को कलुषित और कलंकित करने की कोशिश की गई दोस्तों। और ये घटना आपको मैं बताऊं, अगर देखा जाए तो ये 6 जून से सिलसिला शुरू हुआ, 6 जून से ही, और 6 जून से चालू सिलसिला जो है 8-9 जून तक चलता रहा है। और इसी बीच में जो इलाके हैं, खासकर कोल्हापुर, बीड, पुणे और एक इलाका और है संगमनेर, इन इलाकों में उपद्रव, औरंगाबाद मुझसे छूट रहा था, औरंगाबाद, इन इलाकों में अलग अलग कारणों से अलग अलग पैटर्न है। कोई बंद करा रहा है, कोई तोड़ फोड़ मचा रहा है, कोई तस्वीर दिखा रहा है, कोई ये कह रहा है कि सोशल मीडिया पर ये तस्वीर क्यों आई, इसके लिए वो तूफान मचा रहा है। इस तरह से उस कोल्हापुर में जहां कभी दंगे का, सांगली में बगल में कुछ किलोमीटर पर जरूर है जहां पर दंगे हुए थे 3-1 साल पहले, जहां तक मुझे याद आ रहा है, लेकिन कोल्हापुर में हिस्ट्री नहीं रही है, लेकिन उस कोल्हापुर को भी परेशान किया गया, बेहाल किया गया। ठीक है कि कम्युनल राइट जो है उस तरह का एक जिसमें हिंसा बड़े पैमाने पर हुई है, उस तरह की स्थितियां नहीं बनी, लेकिन शुरुआत तो कर दी गई। कम्युनल एक क्लैशेस कराने की, कम्युनल पोलराइजेशन कराने की शुरुआत करा दी गई। लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है, कोल्हापुर में हिंदुत्ववादी संगठनों ने जो बंद कराया मार्केट का, उस समय जो उपद्रव हुआ उसकी कहानी छोड़ दीजिए,
लेकिन जो सबसे चिंताजनक बात है वो ये कि प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने आधिकारिक तौर पे बयान दे डाला जो पूरे देश में दिखाया गया, उनकी बाइट औरंगजेब की औलादें, और उनका जो जुमला था, अगर मैं आपसे उसको वो आपके सामने रखूं, तो बहुत चिंताजनक है कि एक मुख्यमंत्री रह चुका व्यक्ति, जो इस समय शासन का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, संविधान की शपथ लिया है, देखिए अगर वो आरएसएस के होते केवल, अगर वो विश्व हिंदू परिषद के होते कोई दिक्कत नहीं, उनकी अपनी विचारधारा है, उनकी अपनी जो उससे किसी की सहमति या सहमति हो सकती है, लेकिन वो एक लेवल तक माना जा सकता था कि भाई ये तो उनकी विचारधारा ही है, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री हैं, संविधान की शपथ लिए हैं, और संविधान ऐसे मूल्यों को, ऐसे विचारों को बिल्कुल हरगिज खारिज करता है, और वो ये कह रहे हैं, फडणवीस ने बयान दिया कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हो गई हैं। क्या ये बयान शोभा देता है उनको? जब 5 साल मुख्यमंत्री रहे तब उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया, फिर आज वो ये बयान क्यों दे रहे हैं? क्या इसलिए तो नहीं कि जो आम तौर पर राजनीतिक समीकरण बता रहे हैं महाराष्ट्र के, उसमें भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है, और यही कारण है कि मुंबई के नगर महापालिका, जो बृहत नगर पालिका कही जाती है, उसके चुनाव नहीं हो रहे हैं समय पर। इसके अलावा जो चुनाव बाई इलेक्शन हुए थे उसमें भी हार गई पार्टी। तो मेरा यह कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र, जहां लोकसभा की 48 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के बाद इस देश का सबसे बड़ा राज्य जहां लोकसभा की सर्वाधिक सीटें आती हैं दोस्तों, वो कोई और नहीं महाराष्ट्र है, 48 सीटें। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केवल राज्य की चुनाव की बात छोड़िए, नगर महापालिका की बात छोड़िए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये कोई खेल शुरू किया गया है, और इस खेल में अचानक शिवाजी महाराज के बहाने और तमाम तरह का उपद्रव एक तरह से शुरू कराया गया, और फिर औरंगजेब के नाम पर कुछ उपद्रवी तत्व जो हैं तस्वीरें डालने लगे, कुछ पोस्टर दिखाने लगे। शिवाजी महाराज को याद करने के और तरीके हैं, उनके मूल्यों को याद करना, उनके कमिटमेंट को याद करना, उनकी मनुष्यता को याद करना, लेकिन ये क्या है? तो मुझे लगता है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ये बेहद शर्मनाक है, और उस पर अभी तक उन्होंने अपने बयान के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे लोगों को यह भरोसा हो कि वो उसकी उस बयान को स्वयं उसकी आत्मालोचना कर रहे हैं, जबकि वो बहुत समझदार व्यक्ति माने जाते रहे हैं भारतीय राजनीति में, और खासकर महाराष्ट्र की राजनीति में। तो ये महाराष्ट्र के लिए बहुत चिंताजनक बात है दोस्तों। और इस बीच में दो घटनाएं और हुई हैं जो मैं बताना चाहूंगा। शरद पवार और संजय राउत, दो नेता, शरद पवार महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में रक्षा मंत्री रह चुके हैं, कई पोर्टफोलियो संभाल चुके हैं, 82 साल के हैं, करीब करीब 82 साल के, और उनको की हत्या करने का एक धमकी भरा संदेश उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे भेजा गया, उनको मैसेज भेजा गया कि आपकी वैसी ही हत्या कर दी जाएगी, वो खत्म कर दिया जाएगा, जैसे 2013 में नरेंद्र दाभोलकर का नाम लिया गया। अब ये सभी जानते हैं कि नरेंद्र दाभोलकर की निशंस हत्या पुणे में वॉक करते समय की गई थी, और उसको हिंदुत्ववादी उग्रवादी कुछ संगठनों ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पुणे बेस्ड ही हैं, उन लोगों पर उसकी तोहमत लगाई गई थी, आरोप लगा था, उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, केस चल रही है, देखिए आगे क्या क्या होता है उस मामले में। ये 2013 की बात है, वो भी 2024 के चुनाव से एन पहले वो घटना घटी थी। तो एक तो शरद पवार की हत्या का, की धमकी का, संजय राउत के लिए भी यही, संजय राउत के लिए भी जो धमकी का पत्र आया उसमें भी उनको कहा गया कि आपकी हत्या कर दी जाएगी। और इसके अलावा संजय राउत की हत्या में जो हिंदुत्ववादियों की धमकी है उसमें FIR वगैरह कुछ दर्ज हुआ है, और कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। नासिक में ऐसे ही दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जो सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें करते थे, खासकर
उपद्रव और ध्रुवीकरण बढ़ाने वाली बातें। तो दोस्तों ये सारी चीजें उस राज्य में हो रही हैं जहां पर आमतौर पर प्रशासन प्रशासनिक स्तर पर कामकाज के स्तर पर कोई प्रभाव इस तरह का नहीं दिखाई देता था। भले ही कुछ पॉलिटिकल पार्टी तरह तरह के बयान देती थी, कभी कभी कम्युनल राइट्स भी होते थे, तो ये उस राज्य में हो रहा है, तो ये चिंताजनक बात है। और दोस्तों चूंकि महाराष्ट्र की चर्चा करना है तो एक बात और बता दें, एक और बड़ी खबर है, उस खबर पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है कि शरद पवार जी ने कल यानी शनिवार को अपनी पार्टी में उत्तराधिकार का प्रश्न जो है वो लगभग हल कर लिया है। अपनी ढलती हुई उम्र, अस्वस्थता के मद्देनजर राजनेता अक्सर ऐसा करते हैं और हमने पहले भी देखा है, उत्तर प्रदेश वगैरह में भी देखा है। उन्होंने अजित पवार जो उनके भतीजे हैं, जो प्रदेश में जो विपक्ष के नेता का पद है वो संभालते हैं एनसीपी में, लोग मानते थे कि सुप्रिया सुले अपनी बेटी को आगे बढ़ाएंगे या अजित पवार को बढ़ाएंगे, लेकिन ये तय हो गया कि सुप्रिया सुले ही उनकी वास्तविक उत्तराधिकारी होगी। और उनको जो लोकसभा की मेंबर हैं और पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, अच्छा बोलती हैं, हिंदी अंग्रेजी मराठी तीनों में उनका अधिकार है, और सुप्रिया सुले पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनी है, यानी वर्किंग प्रेसिडेंट बनी है, और उनके साथ प्रफुल्ल पटेल को भी बनाया गया है, लेकिन सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी भी दे दी गई है और महाराष्ट्र सहित कुछ और जिलों की, कुछ और प्रदेशों की भी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बहुत दिलचस्प है और देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में इसका क्या नतीजा दिखाई देता है, क्या इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो दोस्तों ये जो दो खबरें महाराष्ट्र से जुड़ी थी, तीसरी जो खबर है जो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं कि अभी कुछ ही दिन के बाद आप पाएंगे अगले सप्ताह से कि ये छाई रहेगी टेलीविजन चैनलों पर, टीवी पुरम जिसको आमतौर पे मैं कहता हूं, और वो ये कि अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जल्दी ही जा रहे हैं अमेरिका, और अमेरिका में जो उनके कार्यक्रम हैं वो 21 से 24 के बीच में है, और 21 से 24 के बीच में है, इसमें ये स्टेट विजिट है, उनका पहला स्टेट विजिट है, पहला 9 साल के दरमियान पहली बार वो स्टेट विजिट पर जा रहे हैं। इस तरह से वो राष्ट्रपति बाइडेन के आमंत्रण पर व्हाइट हाउस के गेस्ट हाउस में रुकेंगे इस बार, और फिर वो यूएस कांग्रेस को भी एड्रेस करेंगे, और भी बहुत सारे उनके कार्यक्रम हैं, डिनर पर भी भाग लेंगे, डिनर में वो भाग लेंगे और उनके सम्मान में डिनर भी दिया है प्रेसिडेंट बाइडेन ने। और दोस्तों ये महत्वपूर्ण इसलिए यात्रा को माना जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद ये प्रायोजन हो रहा है। तो हालांकि ये तारीख पहले से निर्धारित थी, लेकिन इसी बीच में राहुल गांधी अमेरिका चले गए और अपनी 10 दिन की यात्रा में राहुल गांधी ने पूरे अमेरिका में, खासकर जो अमेरिका में रहने वाले भारतीय हैं, एनआरआईज हैं या अन्य जो भारतीय हैं, उनके बीच में गजब का मोबिलाइजेशन दिखाई पड़ा। जिस यूनिवर्सिटी में गए, जिस संस्थान में गए, या आम लोगों, मैंने न्यूयॉर्क में आम लोगों के बीच कार्यक्रम उन्होंने किया, जो इंडियन डायस्पोरा जिसको कहते हैं, उसमें भी काफी गजब का, एक तरह से उनकी गजब की परफॉर्मेंस देखी गई, लोगों में उत्साह देखा गया। इसके अलावा उन्होंने यूनिवर्सिटीज में लोगों के सवालों के जवाब में नेशनल प्रेस क्लब जो वहां का है अमेरिका का, उसके जो उसकी तरफ से आयोजित जो परिचर्चा थी, उसमें भी जो सवालात उनसे किए गए, उसके जवाब में राहुल गांधी ने बताया कि कैसे भारत जो एक महान देश के रूप में पूरी दुनिया में जिसको देखा जाता है, एक महान डेमोक्रेसी के रूप में देखा जाता रहा है, वहां की डेमोक्रेसी को निचोड़ा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटा जा रहा है, और इस तरह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर उन्होंने कई जगह बहुत ही उन पर तीखे और कई जगह बड़े दिलचस्प कमेंट किए। और अब देखना यह है कि राहुल गांधी के इस राजनीतिक एक तरह से अभियान भरे दौरे को वो नरेंद्र मोदी जी, जो स्वयं बड़े कौशल वाले माने जाते हैं भाषण भूषण में, लेकिन आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी इस तरह फ्री स्टाइल में बोलते हैं, बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के बोलते हैं, वो कोई अपने लिए टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगाते, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब भी कहीं बड़ा संबोधन करना होता है तो टेलीप्रॉम्प्टर उनके लिए उपलब्ध होता है। तो अब देखना यह है कि वो अपने कौशल का इस्तेमाल राहुल गांधी द्वारा उठाए सवालों के जवाब में किस प्रकार करते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि देखने लायक यात्रा होगी मोदी जी की इस बार,
और उनका भी एक बहुत बड़ा समारोह है जो इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करने का वाशिंगटन में है, 23 तारीख को है। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना जो होने जा रही है। और तीसरी बात जो दोस्तों जो मैं बिल्कुल संक्षेप में चलते चलते आपको बताऊं कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लगातार कुछ घटनाएं घटी हैं, और वो घटनाएं जो हैं मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली जो घटना है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में ब्रजभूषण प्रसाद सिंह, जो महिला पहलवानों ने जिन पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं और जिनको सरकार की तरफ से लगातार सहूलियत मिलती रही है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है पॉक्सो में केस होने के बावजूद। ये भी कहा जा रहा है कि पॉक्सो केस का जो आरोप था उस पर उसको भी ड्रॉ कर लिया गया है। तो उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया आज गोंडा में। दूसरा जो शक्ति प्रदर्शन था सचिन पायलट साहब ने किया अपने दिवंगत पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर दौसा में, लेकिन पार्टी उन्होंने नहीं बनाई, जिसको लेकर बहुत सारा टीवीपुरम में चल रहा था नई पार्टी बनाएंगे, कांग्रेस के लिए समस्या आप खड़ी कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये आज ही घटित हो गया। और दिल्ली में केजरीवाल साहब ने अध्यादेश विरोधी, यानी जो अध्यादेश लाया गया है केंद्र और राज्य के रिश्ते को लेकर, उसके खिलाफ आज एक रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ी रैली की। और एक और बात उन्होंने आज कही इस रैली में कि अहंकारी तानाशाह के खिलाफ आज से वो बड़े अभियान में जुटेंगे। तो ये भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक घटना है। तो ये छोटी छोटी घटनाओं का जिक्र मैंने किया, और दोस्तों न्यूज़ मंथन में इस बार हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।